मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। मुंबई का एंटीलिया केस, वही जिसमें मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक मिला था। मामला सामने आने के बाद थाने के व्यापारी मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई। लाश की फोरेंसिक जांच हुई और फोरेंसिक जांच में एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसके बाद कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन जिस समय डूबे उस समय वो जिंदा थे। डाइटम टेस्ट, इस टेस्ट के नतीजे के आधार पर ये संभावना जताई जा रही है। ये टेस्ट क्या होता है और इसकी कितनी अहमियत है, आज सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं डाइटम क्या होता है। डाइटम मतलब एक शैवाल, एल्गी। अब आप पूछेंगे कि शैवाल क्या होता है, तो आपको सबसे नज़दीकी उदाहरण से समझाते हैं। बारिश होती है तो दीवारों और ज़मीनों पर हरे रंग की काई जम जाती है। जहाँ जहाँ नमी होती है वहाँ वही शैवाल होता है। समुद्र के अंदर तो बहुत सारे शैवाल होते हैं, पेड़ जितने बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे भी, इतने छोटे कि नंगी आँख से दिखाई नहीं देते। पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप में रखना पड़ता है तब दिखाई देते हैं ये छोटे शैवाल। ये भी सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं, इन्हीं की वजह से पानी के भीतर भी ऑक्सीजन मौजूद रहती है। कहने का मतलब ये है कि डायटम ऐसे ही नन्हे, बहुत नन्हे शैवाल ही हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, उस व्यक्ति के शरीर के कई हिस्सों में ये डायटम मिलेंगे और डायटम फॉरेंसिक टेस्ट में इन्हीं की जाँच की जाती है। रिसर्च के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के अंदर डूबते समय जान होती है तो वो व्यक्ति पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश करता है। अगर बकायदा सांस नहीं आई तो वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बहुत सारा पानी पी जाता है। ऐसे में डायटम पेट के कुछ हिस्से में तो मिलेंगे ही, साथ ही फेफड़ों में भी मिल सकते हैं। अब डूबते समय व्यक्ति का जो शरीर है वो ऑटोमेटिक तरीके से पानी को खांस कर निकालने की कोशिश करता है। ऐसे में फेफड़े की दीवारों में दरार आ जाती है और ऐसे में ये डायटम फेफड़े से निकलकर खून में मिल जाते हैं और शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। कई केसों में ये डायटम अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो तक पहुंच जाते हैं, लिवर, किडनी और दिमाग के कई हिस्से तक भी पहुंच जाते हैं पानी के साथ साथ। जानते हैं कैसे होता है ये डायटम टेस्ट। व्यक्ति की लाश के कुछ हिस्सों, खासकर अंदरूनी हिस्सों को पोस्टमार्टम के वक्त सुरक्षित रख लिया जाता है। इन हिस्सों को फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है। वहाँ इन हिस्सों को खास तरह के एसिड से गलाकर स्पेशल टेक्निक से डायटम निकाला जाता है और शरीर के इन अलग अलग हिस्सों में डायटम की गिनती की जाती है। अपनी प्रवृत्ति में डायटम बहुत दिनों तक बिना सड़े गले बचे रहते हैं। ऐसे में डूबने से जल्दी खराब हुई लाशों में भी अच्छी स्थिति में डायटम मिल जाते हैं। कुछ रिसर्च में भी ये दावा किया गया है कि जिन केसों में लाशें गलकर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं और सिर्फ हड्डियां बची होती हैं, उनमें भी हड्डी के बीच में मौजूद बोन मैरो से डाइटम टेस्ट किया जा सकता है। रिजल्ट कैसे निकलता है ये भी जान लेते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में डाइटम की मात्रा का आकलन किया जाता है। एक निश्चित संख्या या उससे ज़्यादा मात्रा में डाइटम मिले तो ये माना जाता है कि व्यक्ति की मौत डूबने से हुई है। कोई व्यक्ति डूबने से मरा है तो जाहिर है कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में डाइटम मिलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सांस लेने की कोशिश में बहुत सारा पानी अपने अंदर लेगा। किसी व्यक्ति की लाश को मौत के बाद यदि पानी में फेंका गया है तो उसके शरीर में तुलनात्मक रूप से कम डाइटम मिलेंगे। क्या डाइटम टेस्ट एकदम पक्की जाँच है? ऐसा नहीं कह सकते। मनसुख हिरेन के केस में भी अधिकारियों का कहना है कि इस डाइटम टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर आखिरी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मौत किसी चोट या घाव की वजह से हुई है, या उसकी मौत के पहले से ही उसके शरीर पर खुले घाव या चोट मौजूद हैं, तो उसके शरीर में भी डाइटम मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित है, जैसे हृदय रोग या किसी दूसरी बीमारी की वजह से फेफड़े कमज़ोर हैं, तो पानी में डूबने से मौत तो होगी लेकिन व्यक्ति के शरीर में सामान्य परिस्थितियों की तुलना में कम पानी जाएगा। ऐसे में शरीर में डाइटम की कम मात्रा मिलेगी। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि डाइटम से आइडिया लग जाता है लेकिन कंक्लूजन पर सीधे सीधे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सिद्धांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए टी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।